आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Hello students let's start the question question here is pylangium इन फ्रॉग इज लोकेटेड इन तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो पाइलेंजियम होता है फ्रॉग में वो गिवन ऑप्शन में से कहाँ पे लोकेटेड होता है ओके okay, सबसे पहले पाइलेंजियम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हाईली मस्कुलर पोशन होता है हमारे आर्ट्रियल ट्रंक का जिसका इमीडिएट कनेक्शन होता है विद विकल ऑफ हर्ट तो देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है कॉनस आर्ट्रियोसिस तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होता है ट्रंकस आर्ट्रियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है फॉर्म्ड होता है विद बेसल थिक वॉल जो कि हमारे कॉनस आर्ट्रियोसिस की होती है एंड विद डिस्टल थिन वॉल जो हमारे वेंटल एटा की होती है कॉनस आर्ट्रियोसिस जो है ये पार्ट है जो कि प्रेजेंट होता है नेक्स्ट टू द वेंट्रिकल और इसे जो है हम पाइलेंजियम कहते हैं तो हम यहाँ पे यू कह सकते हैं कि जो पाइलेंजियम है फ्रॉक का ये लोकेटेड होता है इन द कॉर्नस आर्ट्रियोसिस राइट आफ्टर दैट देखेंगे सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है साइनस वेनोसिस तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है साइनस वेनोसिस की अगर हम बात करें तो ये जो है फर्स्ट चैम्बर होता है हमारे फ्रॉग में राइट right? जो कि एम होता है इनटू द राइट आट्रीएम ओके आफ्टर दैट देखेंगे थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है आर्ट्रियम. तो हर्ट की अगर अब बात की जाए तो उसमें जो अपर चैम्बर होता है उसे हम Arterium कहते हैं। लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है ventricle. Ventricle जो है, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं राइट क्लास सिक्स से, से लेके नीट आई, आई आई टी जे मेन्स और एडवांस लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर